तेलुगु फिल्म के एक्टर सुधीर वर्मा ने 23 जनवरी को विशाखापट्टनम प्लेस में अपने घर पर सुसाइड कर लिया। सुधीर वर्मा के इस कदम से पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्री को शॉक लगा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि सुधीर वर्मा ऐसा कदम उठा सकते हैं। बताया जा रहा है कि सुधीर वर्मा मानसिक दबाव में थे और दोस्तों सुधीर वर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन आप सोच रहे होंगे सुधीर वर्मा है कौन, तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुधीर वर्मा की लाइफ स्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में, जैसे इनकी फैमिली, हाउस वाइफ, एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, करियर, कार कलेक्शन एंड इनकी इनकम कितनी थी और इनका प्रोफेशन क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको इनके करियर के बारे में बताऊंगा, फिर इनकी फैमिली और वाइफ के बारे में भी बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, तेलुगु एक्टर सुधीर वर्मा के करियर ने कुछ ही समय में पहले तेजी पकड़ी थी। साल 2013 में आई फिल्म स्वामी रारा से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था और लोगों का दिल जीता। कुंडापू बोमा ये वो फिल्म थी जिससे उन्हें खास नाम कमाने का मौका मिला। इसके अलावा भी उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। ठीक है, अब जान लेते हैं सुधीर वर्मा कौन थे और कहां पर रहते थे और इनकी फैमिली के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं, सुधीर वर्मा प्रोफेशन से एक इंडियन एक्टर थे और गाइस सुधीर वर्मा का जन्म 11 मई 1989 को विशाखापट्टनम इंडिया में हुआ था और वहीं 23 जनवरी को इनकी डेट भी हुई। सुधीर वर्मा का होम टाउन भी यही है। और अगर इनकी एज की बात करें तो 2023 के अकॉर्डिंग सुधीर वर्मा 33 ईयर्स के हो चुके थे। सुधीर वर्मा नेशनलिटी से एक इंडियन थे और इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई विशाखापट्टनम से ही कंप्लीट की थी और बाद में इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से कंप्लीट की थी। अगर हम जाने कि इनकी वाइफ के बारे में, तो मैं आपको बता दूं सुधीर वर्मा की वाइफ का नाम है राधा कुमारी और इनकी फैमिली में सुधीर वर्मा के फादर गोपाल कृष्णा है जो प्रोफेशन से सिविल कॉन्ट्रैक्टर है और इनकी माँ का नाम है लक्ष्मी। तो दोस्तों अगर हम जाने सुधीर वर्मा की नेटवर्क के बारे में, तो मैं आपको बता दूं द एस्टिमेटेड नेटवर्क ऑफ सुधीर वर्मा एट 11.21 करोड़ एंड इंडियन रुपीज फॉर द ईयर 2023, मतलब इनके पास 11.21 करोड़ रुपए थे। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।